यूक्रेन में नेटो सेना भेजने पर अमेरिकी प्रतिक्रिया। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन का बड़ा बयान, वक्त के साथ हम यूक्रेन पहुंचे, ये यानी इंडिकेशन साफ है। ये चार्ल्स ब्राउन की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने तनाव बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है यह खबर। दरअसल लंबे समय से नेटो देश यूक्रेन में सेना भेजने की पैरवी कर रहे हैं, इसमें फ्रांस पोलैंड सबसे आगे, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर नेटो सैनिक ट्रेनर के तौर पर यूक्रेन गए तो तनाव फैल सकता है। लेकिन ये बात भी साफ तौर पर जो अधिकारी है चार्ल्स ब्राउन उनकी तरफ से कहा गया कि वक्त में जब वक्त होगा तब हम वहां पर जाएंगे, नेटो वहां पर पहुंचेगा, नेटो सेना वहां का रुख करेगी। ये साफ तौर पर चार्ल्स ब्राउन की तरफ से कहा गया है। और युद्ध और ज्यादा एग्रेसिव होगा, और ज्यादा प्रचंड होगा, भीषण होगा, यह भी कहा गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर फ्रांस और पोलैंड की यूक्रेन नीति से अमेरिका कैसे सहमत नजर नहीं आ रहा है। रूस से सीधी टक्कर अमेरिका जरा संभल कर चल रहा है। यूक्रेन में सेना भेजने का सीधा मतलब है रूस से टकराव होना। मौजूदा दौर में अमेरिका रूस से सीधा टकराव बिल्कुल भी नहीं चाहता। यूक्रेन में किसी तरह का अमेरिकी दखल रूस को सीधे चुनौती देगा। पिछले अनुभवों से सबक लेकर अमेरिका युद्ध में नहीं उलझना चाहता। अमेरिका से टकराव की हालत बनी तो रूस की हार भी हो सकती है। अमेरिका से हार की स्थिति में पुतिन परमाणु विकल्प अपना सकते हैं।